जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और अभी हम हैं नल के पास अपने बरा में और काफ़ी भीड़ है। भीड़ इसलिए है क्योंकि आज गांव में बारात आनी है और हम लोग लेके आए हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में पानी भरेंगे, ड्रम लेके आया हूँ और 5 डब्बे। और अभी मेरे को जाना है मिट्टी ढुलाई के लिए और एक जगह का और ऑर्डर है, वो वहाँ का लंबा है ऑर्डर, मतलब लंबा समय लगना है, लंबा काम है वहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो यहाँ भाई बैठे बैठे आधा घंटा हो गए हैं, देखते हैं। खाली होने लगा कल ये पानी। तो अभी मैं आया हूँ छुट्टू लोगों के यहाँ और जो अपने सामान थे रस्सा मतलब तिरपाल मोटर पाइप ये सब लेने, वो मिट्टी जहाँ से लानी थी अभी लेबर उनकी थोड़ी सा बिजी हो गई है, यहाँ वहाँ हो गए। राशन कार्ड वाला सेल्समैन भी आया है तो महिलाएं भी फिंगर लगवाने के लिए चली गई हैं। अभी अब उनका काम 2-3 बजे शुरू होगा, जब तक मैं अपना सामान इकट्ठा कर लेता हूँ। जल्दी आना बिहारी, ये वाले निकाल जब तक। ए तुम्हारी रे, साढ़े 11 बज गए हैं और मौसम देख लीजिए, धूप तो बराबर है। और बस ये इतनी पाइप बची रही जो छुट्टू लोगों के रही, पाइप मोटर सब रख गए हैं घर में, इतनी सी पाइप बची है, अब इनको रख दें। ये दरवाजे दरवाजे सब टूट चुके हैं अपने, तो मौसम ने सब बिगाड़ के रख दिया। और अभी गेहूँ वेहूँ सब उठा के एकदम फुर्सत हुए हैं और अब धीरे धीरे खोलने लगा, फिर ढकने लगा। आज गांव में शादी भी है, बारात आनी है और अभी बिहारी का फ़ोन आया कि उनके यहाँ जेसीबी लग गई जिनके यहाँ जाना था, तो मैं भी निकल रहा हूँ, देख के आ जाता हूँ क्या कह रहा है। एक जगह का भाई और ऑर्डर है, उनसे मिल लिया हूँ मैं। अब आज गाड़ी लगाने का कोई मतलब नहीं, कल लग जाती वो ठीक रहता, देखते हैं क्या होता है। जाता हूँ, बात करता हूँ कल के लिए। हाँ चल रहा है काम, और इतने में होना है मेड़ हेड़ ये सब डलनी है। और वो जेसीबी के ऑपरेटर का हेल्पर मिला रहा मेरे को, वो बता रहा था कि भैया लंबा काम है यार। अब पता तो रहा कि काम काफ़ी सारा, लेकिन ये नहीं पता था कि आज से ही जेसीबी लग जाएगा। अब एक जगह वो 3 चक्कर का ऑर्डर है सर पे, अब कैसा करूँ ये सोच रहा हूँ मैं। वो फिर बड़े पापा ये जो है रिश्तेदार ही हैं, ये दूसरी गाड़ी मंगवा लेंगे, दूसरी गाड़ी का कह रहे थे। अब देखो मैं सोच रहा हूँ काम चल रहा है तो चला ही जाए काम। दोस्तों बात तो हो गई है, अब वो बिल्कुल खड़े ही हैं एक पैर पे। उनका कहना है कि बिल्कुल भैया गाड़ी मिल ही जाए। अब अभी तो मेरे हिसाब से गाड़ी बुलाना इनके लिए सही नहीं है, थोड़ी ये जेसीबी से काम करवा लेते उसके बाद बुलवा लेते वो सही रहता। लेकिन देखो अब जिस पैसा लगाने वाले को भाई जैसा सही लगेगा वैसा वो करेगा। अब मेरे को सामने वाले का भी फ़ोन आ गया तो उसका कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यार मेरे को ये लग रहा है कि अगर गाड़ी आ गई तो मेरी गाड़ी लगेगी कि नहीं लगेगी। मेरे को पहले कॉल आ जाता तो एक अलग चीज़ रहती, पहले मैंने उसका ऑर्डर ले लिया उसके बाद फिर कॉल आया। जा रहा हूँ अब आज दिन भर तो लग जाए। अब ये कह तो रहे हैं कि लगा लूँगा भाई तेरी गाड़ी, लेकिन देखो अब क्या होता है। अभी लग रही है भाई
ये भाई जेसीबी है जो पिछले साल अपनी करी थी पास ही के गांव बैरागी की। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और 3:30 अभी बज रहे हैं। ये अपना ददरा दिखाई दे रहा है, हाँ यहीं से रास्ता है भाई। काफ़ी दूर है लेकिन इनके पास लेबर नहीं है, अब 4 ही लोग हैं। ये भरने में बहुत देर लग जाएगी इन्हें, तो काफ़ी देर लग जाएगी। ये दूसरे चक्कर के लिए गाड़ी लग गई है और लफड़ा ही हो गया है दोस्तों यार। लफड़ा ऐसे हो गया है कि उन्होंने 2 गाड़ियां मंगवा ली हैं, 2 गाड़ी उन्होंने मंगवा ली तो अब कोई वो नहीं बचा, रास्ता ही नहीं बचा अपना। मान लो 5 एकड़ में है इतना बड़े एरिया में, तब एक जेसीबी लगी है, 2 गाड़ियां लग चुकी हैं, तो तीसरी अपनी लगेगी कहाँ भाई, उनका वहीं के वहीं काम हो जाएगा। अब मैं ये भाई को जवान दे चुका रहा, जवान क्या, पहले उसने कॉल कर दिया था तो मैं अब इसको हाँ बोल दिया था, अब इसको हाँ बोल के अगर वहाँ चले जाता तो उसमें भी दिया। दोस्तों घर आ गए हैं और अभी 10:15 हो रहे हैं, खाना वाना हो गया, भोजन सब हो गया है। काम तो अब ज़्यादा नहीं हो पाया था, 2 चक्कर बस लगे थे गाड़ी के, और फिर खड़े करके पैसा ऐसा लेके मैं आ गया था उनका काम कंप्लीट करने के बाद। कल देखते हैं, कल शायद, अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं है मेरे पास, कल कोई काम आ जाए तो बढ़िया है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।